नमस्ते साथियों, मैं एसएस महादेव ये बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन की महासचिव। मैं आप लोग का सभी का यही जेडीएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं इस वीडियो के अंदर खासकर जीडीएस ऑनलाइन रिक्रूटमेंट जुलाई 2024 डेट एप्लीकेशन डालने के लिए 5 अगस्त 2024 है। बहुत एप्लीकेशन आया है, आप लोग का भी मालूम है, आप लोग भी डाला है। कोई अभी तक डाला नहीं हो तो इस वीडियो के बाद देख के डालना भी सही रहेगा। साथियों, अभी 5 तारीख का विंडो एप्लीकेशन का खत्म हो जाएगा और 6 से 8 अगस्त तक को 3 दिन, 6 तारीख 7 तारीख और 8 अगस्त को विंडो करेक्शन के लिए खोला जाएगा, एडिट के लिए है। इसमें कोई लोग एरर किया है, बहुत लोगों क्वेश्चनरी पिछली हमारा कमेंट सेक्शन में फोन करके पूछ रहा था, यदि एडिट का समय में हम लोग सर्कल का चेंज कर सकता, यदि हम लोग डिवीजन का चेंज कर सकता, यदि हम लोग कैटेगरी चेंज कर सकता, और इस तरह लंबे एक क्वेश्चन लोगों का मन के अंदर था। हम भी इस क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग कोशिश किया, संबंधित से हम भी इस संबंध में चर्चा करके आप लोग के पास कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। यदि डिवीजन से दूसरी डिवीजन का चुन सकता है और यदि दूसरी सर्कल से दूसरी सर्कल का चुन सकता है, यदि दूसरी गलत लिखने में कोई कैटेगरी चेंज करना है कर सकता है, यदि आप फीस भरना पड़ेगा, यदि कैटेगरी में आप फीस भरने का हो तो इस जगह में आप फीस भरना पड़ेगा, ये इम्पॉर्टेंट है। अभी उदाहरण के लिए, अभी इस बार एक मैंडेटरी आपका मालूम है, त्रिभाषा सूत्र है, मतलब 3 लैंग्वेज फार्मूला देश में है। बहुत लोग कंफ्यूज करके पूछ रहा है, हम लोग मेघालय में डाला है, नॉर्थ ईस्ट में डाला है और अरुणाचल में डाला है, दूसरी सर्कल में डाल सकता क्या, इस तरह प्रश्न पूछा था। साथियों, इस बार यदि आपका असम का स्थानीय भाषा, मेघालय का आप स्थानीय भाषा आप पढ़ा नहीं, आपका जानकारी नहीं हो तो आप दूसरी जगह से चल के इस बार आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आपका चुना नहीं जाएगा, शॉर्ट लिस्ट में भी नहीं आएगा। यदि शॉर्ट लिस्ट में आगे हो तो आपका अपॉइंटमेंट टू अगली वेरिफिकेशन सक्सेस नहीं होगा। इस बिंदुओं पर ध्यान रखना है। आपको तो मालूम है आज देश में 44,228 पोस्ट का बढ़ रहा है देश में, इसमें सबसे ज्यादा कौन सी सर्कल है, आप आपका डिवीजन में ग्रामीण क्षेत्र में आप रहने का अनुकूल इसमें कोशिश करिए आपका सर्कल में। ये एक यदि कुछ 2-3 हिंदी बेल्ट में कॉमन भाषा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उन एरिया में दिल्ली कॉमन भाषा है, हरियाणा भी, और इसका छोड़ के आप गुजरात अन्य भाषा का कंडीशन जाना हो तो डालना है। यदि आप पंजाबी हो, आया पढ़ा है मेट्रिकुलेशन में, आप पंजाब में डाल सकता, आप गुजराती पढ़ा है गुजरात में डाल सकता, यदि आप कन्नड़ पढ़ा है कर्नाटक में डाल सकता, तमिल पढ़ा है तमिलनाडु में डाल सकता, आंध्र पढ़ा है आंध्र और तेलंगाना में डाल सकता। इस तरह भाषा का इस बार पहले भी है, ये कंडीशन है, इस पर ध्यान रह के रखना है। पिछली बार हमारा में एक ही ट्रेंड में चलता था, पिछली बार बहुत लोग हजारों लोग नॉर्थ ईस्ट में था, पद भी ज्यादा था, इस बार देखना कितना पोस्ट है, परंतु आदर में नया कंडीशन आ गया है। स्थानीय 23 लैंग्वेजों का ये दिया है, जागा जागा में उनको बोली आना चाहिए, कुछ इवन बोडा हो इवन नेपाली, लिमिटेड 1 या 2 पोस्ट में जागा है, जागा में दिया है उन जागा में, बाकी आप बंगाल में पढ़ो तो आपका बंगाल आना चाहिए, हाँ कुछ दार्जिलिंग इत्यादि में थोड़ा नेपाली अदर कुछ भाषा रखा है। इसी तरह
मणिपुर आसाम में भी थोड़ा बंगाली का कुछ पद है, कुछ बोडा लैंग्वेज के लिमिटेड 3, 4, 5, 10 इस तरह पोस्ट है। ये उन बिंदुओं का ध्यान रखना है। यदि आप लोग अभी तक गलत किया है, आप इसका सुधार कर सकता। यदि आप कोई सर्कल से दूसरी सर्कल में चुन सकता भी, और कोई डिवीजन से दूसरी डिवीजन में भी चुन सकता। और कुछ लोगों आज ही पूछ रहा था मुझे, यदि हम लोगों अभी तक को कम जगह का चुनाव किया, आगे ज्यादा कहा चुनाव कर सकता, मतलब चुन सकता, आपका 10 बीओ के जगह में 15 भी कर सकता। यदि एक और दो बीओ डाला है, उन्होंने 5-6 जगह में डाल सकता, 10 जगह में डाल सकता, इसका कोई ये नहीं है। उन बातों का रखने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। कृपा करके एडिट करने का आपका समय है। और बहुत लोगों परसेंटेज बात करता है सोशल मीडिया में, यूट्यूबों में। साथियों, परसेंटेज आपका एक चांस है। यदि आपका पहले लोग नहीं आया, अच्छा परसेंटेज उनको रिफ्यूज किया, सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट ठीक नहीं था, दूसरी आदमी का मिलेगा। हम लोग पिछली बार देखा, इवन 69-70 तक भी कुछ लोग उनका मिला है। कुछ कैटेगरी विशेष, विकलांग, विकल चेतन, डम पंडियर, सभी का इस बार कुछ पदों का रिजर्व रखा है। इसी का आधार पर चुना जाएगा। आप सोच समझ के अभी करके विंडो ठीक से खोल के ठीक से बंद करना होता है। अभी आप इसका ये देखना है, आपका डिवीजन सबसे ज्यादा डिवीजन आपका सर्कल में कौन सी है। इसमें आप प्रैक्टिकल भौगोलिक एक ध्यान में रखते हुए आप लोग करना होता है। इस बिंदुओं का रखने के लिए मैं सुझाव दे सकता हूं। आखिरकार आप ही लोग हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया में कमेंट में मांग रहा था, ये अभी तक को आप लोग का मालूम है, पिछले साल सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का अभी तक अपॉइंटमेंट ऑर्डर में ये किया, हम लोग का जानकारी मिला है। कुछ इस समय गाइडलाइंस डिपार्टमेंट दोबारा इश्यू करेगा, ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों का। और साथियों, ये हम लोग समय समय पर हम लोग आपका बीच में आने का कोशिश करेगा। यदि उन बिंदुओं का कोई ये देखना हो तो कोई डिवीजन में चेंज कर सकता, कोई दूसरी सर्कल चुन सकता, और कोई कैटेगरी चेंज कर सकता, परंतु आप इसका मुताबिक पीबी भरना पड़ता है, मतलब 100 रुपए आप लोग का क्या दिया इसी के मुताबिक को। और कोई अदृष्ट ये ट्रिक्स वगैरह इसमें कोई नहीं चलता। आप लोग का अवकाश मिला हो तो इसका एक पोस्टल डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा एक मेरिट के आधार पर हो रहा है। हम लोग आप लोग भी जानकार है, ये ट्रेनिंग लेना, परीक्षा लेना, कौन सी जगह में कौन कौन, इस संबंध में मैं ज्यादा बात करने का पसंद भी नहीं करता। हमारा GDS के लिए ये 4 घंटा हो 5 घंटा हो अभी फिलहाल ये इसके लिए कोई जरूरत है ऐसे लोगों में डाल के ले रहे हो तो उनको आने वाला समय में बहुत चैनल से प्रमोशन वगैरह लेने के लिए आगे ये करने के लिए। इस बिंदु में इतना बुरा भी नहीं है। आज तंग का भी 10,000 से 15,500 तक मिलता है ये BPM के लिए, 18,000 से 19,000 तक को BPM का मिलता है। और ये BPM DS दोनों भी है। इस बार आप लोग भी ये भी देखना है, यदि आप लोग अर्बन एरिया और बड़ा शहरों में कुछ पोस्ट अभी भर रहा है, विन बिंदुओं का थोड़ा आप ही खुद ही एनालिसिस करके आप इसका अप्लाई करना हो तो अच्छा रहेगा। यही मैं बोलते हुए, कृपा करके इस वीडियो का शेयर करिए, सब्सक्राइब करने का निवेदन करते हुए मेरा बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।